अस्सलाम वालेकुम दिस इज फौजी फाउंडेशन स्कूल जमात हस्टम मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों पर महफूज होंगे सो जमात जम आज हम अपना इस्लामियत का बाब बाम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है नमाज की अहमियत और फजीलत इस लेक्चर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है पहला हिस्सा है तारुफ नमाज का और दूसरे हिस्से में हम नमाज के फ्राइज जानेंगे सबसे पहले मैं आप लोगों को तदरीसी मुका बता दूं इस सबक को पढ़ने के बाद आप लोग ये सीखेंगे कि नमाज का क्या मतलब है नमाज की फजीलत और अहमियत क्या है और फराइज नमाज कौन कौन से हैं सो so, जैसा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक मालिक है सो हमें चाहिए कि सिर्फ उसी की इबादत करें और उसी की बढ़ाई और की बयान करें अल्लाह ताला की रजा और खुशनुजी हासिल करने के लिए नमाज और दीगर अरकान की अदायगी जरूरी है ठीक है जैसा कि आपको पता है इस्लाम के पांच अरकान है जो कि दीन का सतून है सो तो इस नमाज जो है उन अरकान में से एक अहम रुकन है अरकान इस्लाम ये है सबसे पहला रुकन है तोहहीद और रिसालत दूसरा है नमाज उसके बाद रोज़ा जिकात और हज ये है हमारे इस्लाम के अरकान तो बाद नमाज दूसरा रुकन है ठीक है नमाज का मफहम नमाज अरबी जुबान के लफ्ज सलाद से माखुज है जिसके मायने दुआ मांगना के हैं और ये जैसा कि मैंने बताया दूसरा रुकन है तो नमाज की अहमियत और फजीलत बहुत ज्यादा है हजूर वसल्लम ने फरमाया बेशक मोमिन और काफिर में फर्क करने वाली चीज है नमाज है इसके अलावा उन्होंने फरमाया नमाज मोमिन की मिराज है और एक और जगह पर उन्होंने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है अब हम जानते हैं नमाज की फजीलत कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है सबसे पहले तो ये इस्लाम का सबसे अफजल रुकन है और दूसरा रुकन है ठीक है ये दीन का सतून है और जन्नत की कुंजी है नमाज दिन में पांच बार हम पर फर्ज है हम पांच बार दिन में नमाज पढ़ते हैं नमाज मोमिन की मिराज है और ये सबसे पहला सवाल जो है रोजे की आमद हमसे नमाज के बारे में किया जाएगा और नमाज क्या करती है ये हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है नमाज के बारे में अहादीस बता दूं। हजूर पाक सलम ने फरमाया नमाज दीन का सतून है जिसने इसे कायम किया उसने पूरे उसने गोया पूरे दीन को कायम किया जिसने इसे छोड़ा उसने गोया पूरे दीन को छोड़ा इसका मफहूम यह है कि नमाज जो है वो दीन का सतून है जिसने नमाज कायम की उसने गोया पूरे दिन को कायम कर लिया ठीक है और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने गोया दीन इस्लाम को ही छोड़ दिया उसके अलावा एक और हदीस है मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है नमाज चुके हम पर फर्ज है सो तो, मुसलमान और काफिर मतलब अगर एक काफिर और मुसलमान में हम फर्क देखेंगे क्या है वो तो वो नमाज है अब मैं आपको बताऊंगी फ्राइज नमाज की नमाज के फ्राइज कौन कौन से हैं जो कि है सबसे पहले तकबीर तहरीमा क्याम और किरत तीसरा है रकू फिर सजदा फिर कादा और तशाखुद अब मैं साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ तकबीर तहरीमा जो सबसे पहला फर्ज है वो क्या है तकबीर तहरीमा वजू और नमाज की नीयत के बाद जब हम दोनों हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना तकबीर तहरीमा कहलाता है तकबीरें तहरीमा के मायने हैं अला की बड़ाई बयान करना और तहरीमा का मतलब है हराम करार देना और ये अल्फाज अदा करने के बाद नमाज के सिवा दूसरे तमाम काम नमाजी पर हराम हो जाते हैं उसके बाद दूसरा फर्ज है क्याम और किरत क्याम का मतलब सीधा खड़ा होना नमाज में क्या से मुराद इतनी देर सीधा खड़ा रहना की जिसमे कुरान की इतनी किरत हो सके जो कि फर्ज है किरत नमाज की पहली दो रकात में हम सूर फातहा के बाद कुरान पाक की आयत और सूरत की तिलावत करते हैं और उसे किरत कहते हैं ठीक है उसके बाद है रुकू रुकू के मायने क्या है रुकू के मायने झुकना क्याम और किरत के बाद अल्लाह अकबर कहकर घुटनों पर हम दोनों हाथ रखकर झुकते हैं और उसको रुकू कहते हैं सर गर्दन और कमर एक सीध जमीन के मतवाजी होते हैं और जुबान से सुबह कहकर अल्लाह की और अजमत का करते हैं। ठीक है, so है सजदा जैसे अल्ला हैं सजदे की हालत में नमाजी अपनी पेशानी नाक दोनों हाथ घुटने और दोनों पाव जमीन पर रख के अपने रब के हजूर सरबजूद हो जाता है सजदा नमाज का अहम तरीन रुकन है सजदे में नमाजी सुबहाना रबी अला कहकर अपनी आजी अपने रब की पाकि और बढ़ाई का इजारों इकरार करता है ठीक है और अल्लाह ताला को बंदे की ये हालत बेहद पसंद है हर दो रकात में एक रुकू और दो सजदे होते हैं और जिस तरह नमाज मोमिन की मिराज है इस तरह से सजदा जो है वो नमाज की मिराज है मतलब इतनी ज्यादा फजीलत और अहमियत है और अल्लाह ताला की पसंदीदा हालत है ये बंदे की कि वो जब मतलब सजदे की हालत में होता है तो अल्लाह ताला को तब वो बहुत पसंद होता है ठीक है और आखिर में है आ, कादा और तशाह दूसरी और आखिरी रकात में सजे के बाद बैठने को कादा कहते हैं तशहद का मतलब है गवाही देना अब तशहद जो है वो बैठ कर पड़ी जाती है तशाह का मायनी है गवाही देना इसमें हम इस बात का इकरार करते हैं कि तमाम इबादतें जो हैं वो अल्लाह तला के लिए हैं और उसके सिवा कोई मबूद नहीं निस नबी करीम सल वसलम अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं उसके बाद कादा में तशहद के बाद हम दरुज शरीफ पढ़ते हैं और उसके बाद कोई मसरून दुआ पढ़ के जैसे कि हम जलनी वो दुआ पढ़ते हैं उसके बाद हम सलाम फेरते हैं ठीक है तो ये था हमारे नमाज के फरज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि नमाज के फवाद कौन कौन से हैं नमाज पढ़ने से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं हमें रूहानी पाकिजगी हासिल होती है हमारी रूह पाकिजा हो जाती है जिसमानी गलाजतों से तहफ़ तो मिलता है जब हम वजू करते हैं साफ सुथरे होकर अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं तो हम अपने आप को पाक साफ करके उसके सामने हाजिर होते हैं जिससे हमारे जिसमानी गलाजतें दूर हो जाती हैं हम में नजम मतलब वक्त की पाबंदी का एहसास पैदा होता है जैसे कि नमाज जो है एक वक्त पर अदा की जाती है ना तो हम में नजम जब पैदा होता है इसके अलावा जब हम मस्जिद में एक दूसरे के साथ गरीब और अमीर का फर्क रखे बगैर नमाज पढ़ते हैं तो उससे बामी हमदर्दी और मुसावात पैदा होती है और साथ ही उसके भाईचारा मतलब मुसलमान जैसा कि एक दूसरे के भाई भाई हैं तो वो एहसास पैदा होता है गुनाहों से निजात मिलती है अल्लाह ताला खुश होते हैं अल्लाह ताला की खुशनौदी मिलती है हमें दोजक से निजात मिलती है और ये जन्नत की कुंजी है जैसा कि तो जन्नत पे दाखिले का जरिया है और नमाज की पहचान है ठीक है सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा तो अब हम जरा करते हैं असेसमेंट कि आप लोगों को इसमें कौन कौन से सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं और आप लोग इनको हल करेंगे इस्लाम का सबसे पहला रुकन कौन सा है नमाज इनमें कितनी मरबा फर्ज है जिकात किन पर फर्ज है और हज किन पर फर्ज है ये अरकान इस्लाम के बारे में है या इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है? है और इसको लिखना है ठीक है सो आई होप आज के लेक्चर में आप लोगों ने नमाज का मतलब उसका मैं फून नमाज के बारे में अहदीस और नमाज की फजीलत और अहमियत और नमाज के फ्राइज और उसके फवाद जान लिए होंगे अच्छी तरह से इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा समझिएगा अः जजाकल्ला